दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दशरी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेकेंड ईयर का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रुप, इलेक्ट्रिशियन और फिटर, ठीक है, दोनों के लिए जो ये चैप्टर कॉमन है ग्राफ, जिसका मैं पार्ट वन बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि ग्राफ के क्वेश्चन जो लिखित वाले आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और मैं रॉयल पब्लिकेशन के सोल्यूशन को यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया हो और कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है कि किस चौकोर में इकाई 3, -7। तो अगर 3 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो आप समझिए प्लस है, यानी प्लस और माइनस की बात हुई है। तो आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में प्लस, यानी एक्स में प्लस होना चाहिए। तो एक्स में प्लस या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक है, और वाई में कितना होना चाहिए, माइनस, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वैल्यू माइनस होती है, ठीक है, वाई होती है, तो वाई की वैल्यू माइनस है। तो वाई में माइनस किधर होता है, ए वाली वैल्यू माइनस होती है, तो ए इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो किधर जाने पर दोनों मिलेंगे, इधर जाने पर दोनों मिलेंगे, यानी आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर आएगा, ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक मैंने बताया था क्या होता है, 0, 0, तो आपका आंसर होगा, ठीक है। 4, -5, यानी पहला प्लस आना चाहिए, दूसरा माइनस आना चाहिए, यानी एक्स प्लस वाई माइनस। तो एक्स प्लस वाई माइनस अभी मैंने ऊपर बताया कौन सा चतुर्थांश होता है, चतुर चतुर्थांश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन फ्रेंड्स एकदम श्योर है, 100% है, आता ही आता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। फिर बोल रहा है एक्स एच पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है। तो मैंने बताया था कि एक्स एच पे केवल एक्स का मकान होता है ना, वाई का कोई उस पर निर्देशांक नहीं हो सकता है, इसलिए वाई की वैल्यू वहां पे क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही इसको देखिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन कह रहे दिए गए चित्र में बिंदु ए का निर्देशांक बताइए। तो ए के लिए अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले आप x देखिए, तो x में कहाँ से कहाँ, मूल बिंदु से यहाँ तक जाने में कितना आया, 2 आ गया, है ना। तो सबसे पहली वैल्यू x की होती है, तो x की वैल्यू सबसे पहले 2 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में 2 मिल रहा है पहले पोजीशन पे, ए नहीं मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है, यानी इस ऑप्शन में मिल रहा है तो यही सही होगा। बट आप देख लीजिए वाई में क्या 1 है, तो देख लीजिए वाई में यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या है, 1 लिखा हुआ है, मतलब ये आंसर सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि रैखिक लेखा चित्र को प्रदर्शित करने के लिए कितने अक्ष होते हैं। तो कितने अक्ष होते हैं, 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, तो आपका आंसर होगा, ठीक है। रैखिक लेखा चित्र पर स्वतंत्र चर राशि को क्या बोलते हैं, तो मैंने क्या बोला था, स्वतंत्र चर राशि, इनडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो मैंने बताया था कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ए होता है डिपेंडेंट, है ना, पहली वीडियो मैंने बताया है ए होता है डिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं होता, वो डिपेंड करता है, और ए वाली वैल्यू होती है इनडिपेंडेंट, ठीक है, यानी स्वतंत्र राशि। तो स्वतंत्र राशि कौन होती है, एक्स होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स एच पर, ठीक है। अगर स्लोप बोलता तो एम बोल देते, और अक्षर पर बोलता तो किसको बोलते हैं, सी को बोल देते, और एक किसको क्या बोलते हैं, अंतःखंड बोलते हैं, और एक कहाँ पे होता है, वाई वाई एच पे होता है, ठीक है। तो मगर आपसे पूछा है कि इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राशि, तो स्वतंत्र राशि क्या है, एक्स एच है, यानी आपका आंसर एक्स एच हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कर रहा है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 के सही अनुक्रम को बताइए। इसका मतलब यह है कि अगर एक्स की वैल्यू आप रखिए, एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा, 4 आ जाएगा, भाई यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे तो ये 4 आएगा, सही है। अगर एक्स की वैल्यू 1 रखें तो वाई 5 आना चाहिए, तो एक्स की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो 1 + 4 कितना रहेगा, वाई 5 आ जाएगा, मतलब ये भी सही है। एक्स की वैल्यू अगर 2 रखें आप, तो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, वाई 6 हो जाएगा, मतलब ये भी सही है, यानी तीनों आंसर मिल रहे हैं, तो यही आंसर होगा, अदरवाइज आप दूसरा भी चेक करके देखिए, कोई नहीं मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए लेखा चित्र में 1994 वृद्धि दर कितनी थी। तो आप 1994 देखें, यहाँ पे देखें वृद्धि दर दिया गया है प्रतिशत के रूप में, एक वृद्धि दर यानी 1 सेंटीमीटर 0.2%, ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आप देख लीजिए, चाहे सीधे प्रतिशत ही दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 दे दिया, 0 से 10, फिर यहाँ से यहाँ 0.2, 0.2। अच्छा, ये जो वैल्यू दी है प्रतिशत में दी है, इसे घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। सीधे आपका आंसर मिल जाएगा 1994 में। तो 1994 में अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 10.2%। तो आपका आंसर हो जाएगा 10.2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला बोल रहा है, रेखा क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रदर्शित करने के लिए। तो क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, ये वाली रेखा क्षैतिज रेखा होती है ना, हॉरिजॉन्टल। तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष से दिखाते हैं और ये वाली होती है ऊर्ध्व रेखा यानी वर्टिकल रेखा, इसको बोलते हैं वाई अक्ष से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रदर्शित करते हैं, तो अभी बता दिया, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग, तो वृत्त का जो केंद्र होता है यहाँ पे जो जितने भी कोण बनेंगे उन सबका योग कितना होगा। भाई यहाँ से मान लीजिए अगर ये आदमी यहाँ से यहाँ तक टोटल घूम जाता है एक चक्कर, तो कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का। अगर आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो जैसे एक केंद्र है यहाँ से एक ऐसे अच्छा खींच लीजिए, तो ये देखिए ये वाला 90 होता है, मैंने बताया था, ये भी कितना होगा, 90 होगा। ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा। और ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा। अगर टोटल सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि निर्देशांक बिंदु और मूल बिंदु दोनों लगा दे, ठीक है, कोऑर्डिनेट दूसरी बात होती है। यहाँ पे अगर बोल रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा मूल बिंदु, ठीक है। अगला कह रहा है क्षैतिज रेखा से प्रदर्शित अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा वाला मैंने बताया, क्षैतिज रेखा वाला ये वाला ही लाइन होती है, इसको एक्स अक्ष से बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक्स अक्ष या भुज कहते हैं, मैंने बताया था एक्स अक्ष को ही क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भुज लिखा हुआ है, तो भुज का मतलब ही आप समझ जाइएगा एक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते थे। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल समीकरण का लेखा चित्र सदैव एक सरल रेखा होता है, ठीक है। सरल समीकरण का रेखा चित्र सदैव एक सरल रेखा होता है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2, -4 निर्देशांक वाला बिंदु बाद में होता है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, ठीक है। एक्स में प्लस होना चाहिए तो ये दो तरफ जाएगा, और वाई में माइनस होना चाहिए तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा। कहाँ पे दोनों कट करेंगे, यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट ए होता है, सेकेंड ए होता है, थर्ड ए होता है, फोर्थ ए होता है। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर नापी गई धनात्मक या ऋणात्मक दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष पे जो भी दूरी नापते हैं आप उसको बोलते हैं भुज, उसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को ही भुज बोलते हैं, बस ये समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई अक्ष पर नापी गई दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष पे जो दूरी नापते हैं उसको कोटि बोलते हैं। भुज व कोटि की संख्या को एक एक छोटे कोष्टक में लिखने वाले को निर्देशांक बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये भुज हो गया है ना, और ये हो गया कोटि, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पे जो आप लिखते हैं 2, 2, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, ठीक है। तो आपका आंसर सी सही होगा। दोनों अक्ष एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष तल को 4 समभागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। भाई दोनों अक्षों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इन चारों भागों को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो पहले वाले को बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, दूसरे को सेकेंड, तीसरे को थर्ड, चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि चतुर्थांश में -4, -5 को प्लॉट किया जाएगा। तो एक्स में देखें माइनस है, पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी माइनस, तो एक्स में माइनस है तो ये दो तरफ जाएगा, वाई में प्लस है ना, तो ये दो तरफ जाएगा। तो कहाँ पे दोनों कट करेंगे, दूसरे वाले में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पे बोल रहा है दोनों माइनस है, ठीक है। एक्स में अगर माइनस है तो आप समझिए एक्स में माइनस मतलब या तो इधर या तो इधर, वाई में माइनस या तो इधर या तो इधर। तो इधर जाने पे दोनों कट कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला।
अब इसमें कह रहा है कि दोनों प्लस हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं है तो दोनों क्या है, प्लस हैं। एक्स में प्लस की अगर बात करेंगे तो इस तरह से, और वाई में प्लस की बात करेंगे तो इधर इधर, तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है, पहले चतुर्थांश में, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि किस चतुर्थांश में +2 और -3, तो देखिए एक्स में प्लस होना चाहिए तो इधर इधर, वाई में माइनस होना चाहिए है ना, तो इधर या इधर, तो दोनों कहाँ पे जाके मिले, चतुर्थ वाले में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चतुर चतुर्थांश, ठीक है। दो परिवर्तनशील राशियों के पारस्परिक संबंध को रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करने वाला रेखांकन क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। भाई दो राशियां होती हैं उनको बीच में जो संबंध बताता है, जैसे आपने पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे y और x के बीच में यहाँ पे संबंध बताया गया है, तो उसको किससे बताते हैं, ग्राफ से प्रदर्शित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोलर निर्देशांक के मूल बिंदु ओरिजिन को क्या कहते हैं, पोलर निर्देशांक का जो मूल बिंदु होता है उसको बोलते हैं पोल, पोलर से ही आप समझ जाइएगा उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोलर निर्देशांक के लिए जब आएगा, देखिए होता क्या है, दो तीन तरह के फॉर्म होते हैं, वो चीज़ें आपको हो सकता है ज़्यादा ना समझ में आए क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है, तो आप पोलर के केस में समझिएगा तो उसको पोल बोलते हैं, ठीक है, पोलर वाले केस में पोल बोलते हैं, और बाकी जो इस तरह से होता है उसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पोलर निर्देशांक वाले केस में मूल बिंदु को क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, आकाश में मार्गदर्शन एवं परमाणु भौतिकी में निर्देशांकों को दर्शाने के लिए, निर्देशांकों को दर्शाने के लिए, आकाश में का मतलब ध्रुव है ना, आकाश का मतलब क्या होता है, ध्रुव, ध्रुव में इन चीजों को दर्शाने के लिए ध्रुवीय निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है, ध्रुवीय निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि अगला x का मान बताइए, तो मैंने क्या बोला था, x का मान जो पहले लिखा होता है x होता है, और जो बाद में होता है y होता है, तो x बराबर आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ में दो परिवर्तन के अंकन करने के लिए जहां पर दो पॉजिटिव और दो निगेटिव मान हो सकते हैं, परिवर्तन अंकन करने के लिए उसका नियम क्या है, ठीक है, उसका नियम, तो आप चीज दे दी, एक चीज ध्यान दीजिए कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ए प्लस होता है ए माइनस होता है, और ए प्लस होता है ए माइनस होता है, दो प्लस दो माइनस होते हैं, तो यहाँ पे वाई के बारे में दिया हुआ है, तो बोला है वाई निगेटिव मान मूल का दाई तरफ का क्षेत्रीय अंक रेखा के साथ होगा, नहीं, मूल के दाई तरफ तो केवल एक्स एक्सिस होता है, तो वाई की बात ही नहीं हो सकती, मूल के अगर इधर देखें तो इधर हो जाएगा दाई तरफ और इधर हो जाएगा बाई तरफ, और वो केवल किसका एरिया होगा, एक्स एक्सिस का होगा, तो दाई बाई की तो बात ही नहीं हो सकती वाई वाले में, तो दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वाई पॉजिटिव मान मूल का ऊपर, तो मूल के ऊपर का वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी है ये गलत है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें जो भी क्वेश्चन है रॉयल पब्लिकेशन के 29 क्वेश्चन मैंने इधर कराए हैं, बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं अगले पार्ट में मैं कराऊंगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं किया है तो आप इसको कमेंट करिए, थैंक्स का, तो बस आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।